एमआर रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है, और यहाँ पर तो एसी था लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है कभी कभी। शरीफ हसन है, डॉक्टर शरीफ हसन, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड है, तो उसने बोला, उसने जो धमकियाँ दी थी कि उसके साथ चीफ मिनिस्टर है, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी डरते हैं, उनसे जो श्यामाप्रसाद दास है वो बहुत बड़े एक डॉक्टर है, तो इन सब का नाम लेकर, बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम लेकर हम लोगों को डराया गया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है सीबीआई के हाथों और उन्हें फिलहाल सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन उसके बाद ही हम देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो और डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वो उसमें शामिल थे, और ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिक चीजों की मांग की जा रही थी, वॉशरूम्स की मांग की जा रही थी, कॉमन रूम की, और साफ सुथरा जो है कैंपस रहे इसकी मांग की जा रही थी, इसीलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर जो है उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर भी की गई। और आरोप ये भी है उन पर कि कई ऐसे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, और अगर किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उनको एमबीबीएस डिग्री नहीं मिलती है। तो साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स इंटर्न डॉक्टर्स के करियर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था, ये तमाम जो करप्शन चल रहा था इस अस्पताल में उस बीच में। डॉक्टर अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप पर आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है, क्यों हुआ ये सब कुछ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में देन प्रिंसिपल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज अ फेस और हम लोगों को फेल करवाया गया, हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए, हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया, हमें क्लास से मना किया, क्लास करने से मना किया गया, हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया, हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया, हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबे लिया उसमें नहीं लिया गया, जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स। ओके, एंड तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक फ्रेश फेयर एंड फ्रेश हॉस्टलशिप काउंसलिंग, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हॉस्टल बाथरूम्स, रेगुलर हॉस्टल एकोमोडेशन एंड मेनी बेसिक डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट एनी फाइनेंशियल और एनी टाइप ऑफ नो दिस टाइप ऑफ डिमांड्स रहे। ये तो बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट दिया, देना स्टार्ट किया ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है, तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है, और यहाँ पर तो एसी था लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है, हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है कभी कभी।
कुछ रूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है रहने के लिए, और बहुत सारे हॉस्टल ऐसा है जो कैंपस से बाहर है, तो बहुत मुश्किल होता है। और हमारे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम पहले से ही था, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019 फ्रॉम 200 to 250 इन यूजी, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू इंक्रीज द सीट ऑल्सो ना, सो दैट्स वाई वी आर प्रोटेस्टिंग। एक बात बताइए, आप भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई, ये किस लिए हुई? क्योंकि आप लोग कुछ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसलिए आप पर जो है फॉल्स एफआईआर हुई? देखिए, ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल वाज द डिक्टेटर ऑफ दिस कॉलेज एंड ही ट्राइड टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइस इन द कैंपस, दे हैव ट्राइड टू सप्रेस दैट, ओके। एंड मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व। एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माय रिस्ट, ओके। एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है। जो एचओडी होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते, आधा घंटा, एक घंटा, पांच घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, एचओडी पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है किसी ना किसी तरीके से। आपको कौन से ईयर में फेल किया गया और कितने सप्लीमेंट्री आपको देनी पड़ी थी? क्योंकि 2021 साल में हमने ये प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, सेकेंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया मेरे को। और जब मानस बंदोपाध्याय सर आए 2023 में एज ए प्रिंसिपल ऑफ आर्जी कौर मेडिकल कॉलेज, तब ये जो प्रिंसिपल का नेक्सस था ना, जो ये लॉबी है, वो लॉबी मानस बंदोपाध्याय सर हु एज द माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर इन आवर इन दिस कॉलेज एंड वी हैव डन हिज क्लासेस, सो ही वॉज द वेरी गुड प्रोफेसर एंड ही वॉज द MSVP ऑल्सो इन द कॉलेज, सो वी सपोर्टेड एज ए जनरल स्टूडेंट इन स्टैंड ऑफ इन विथ हिज support and they have they were the Nexus was trying to not to enter the the Manas Bandyopadhyay sir to his office to continue his duty, so we are protesting. I was coming from the gynecology. तो आप कह रहे हैं कि जब मानस बंदोपाध्याय को यहाँ पर 11 महीने पहले प्रिंसिपल बनाया गया था, आप कह रहे हैं, और उनको दायित्व दिया गया था संदीप घोष को हटाकर, और वो यहाँ पर जब चार्ज लेने आए थे तब संदीप घोष की लॉबी ने उनको अटका दिया, तो उनको घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं, और तीन चार दिन तक घुसने दिया, और हम लोगों को हॉस्टल में थ्रेट दिया कि जो भी मानस सर के स्टैंड में रहेगा उनको फिर से सप्ली दिया जाएगा, फिर से फेल करा जाएगा। लेकिन एज ए जनरल स्टूडेंट व्हेन वी आर सीइंग दैट दिस टाइप ऑफ हैरेसमेंट वाज ऑन गोइंग ऑन दिस गुड प्रोफेसर द मानस बंदोपाध्याय सर हु वाज आवर माइक्रोबायोलॉजी टीचर, ही टॉट अस वेरियस मेडिकल एथिक्स एंड वेरियस मेडिकल एडुकेशन ऑल्सो, बट this Nexus was forcing him to get out of the campus and not to enter in his office. आपने बताया आप पर जो है दो फॉल्स एफआईआर भी की गई थी, आपको बेल लेनी पड़ी थी, तो आपके पेरेंट्स भी काफी परेशान हुएंगे, आपके घर वाले भी काफी परेशान होते हुए घर में चिट्ठी भेजी गई पुलिस से, और हमारे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया अंडर सेक्शन 114, 141, 143, 324, 354 ऑल्सो, एंड दे हैव ट्राइड टू ऑल्सो फॉल्स एंड आई हैव द ऑडियो रिकॉर्डिंग द कॉम्प्लेंट हु कॉम्प्लेंट आवर द अगेंस्ट अस ही ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट दिस वॉज अ फॉल्स एफआईआर, आई हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दैट ऑल्सो। आपके कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जो है वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको कॉल करके ये धमका रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको संदीप घोष की जो है लॉबी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट बंद कर दें वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगातार ऐसे धमकियां दी जा रही थी? लगातार, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है,
बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी नहीं है क्योंकि ये लोग डायरेक्ट धमकी देते थे हॉस्टल में आकर जब भी इन लोगों से मुलाकात होती है ये लोग धमकी देते थे कि फेल कर देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे ऐसा भी बोला है। इसी डॉक्टर शरीफ हसन जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है इसी ने ही बोला था कि बेलगाछिया से गूंड सा कर हमको हॉस्टल से निकाल देंगे। साथ ही ये बताइए ये तो आपके साथ हुआ है लेकिन ये क्या एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी इस मेडिकल कॉलेज में? आपके जैसे और भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा किया गया उनका करियर जो है बर्बाद कर दिया गया? नहीं देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉलेज में हुआ है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल दिस नेक्सस वाज एक्टिव एंड सम ऑफ द सपोर्टर ऑफ संदीप घोष वाज ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल एंड दे वर सपोर्टिंग दिस नेक्सस एंड दे वर एक्सटॉर्टिंग मनी एंड दे आर थ्रेटिंग पीपल, द थ्रेट कल्चर वाज ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल। तो आप क्योंकि इतने साल से इस कॉलेज में हैं तो आपको भी तो समझ में आ रहा होगा कि संदीप घोष यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं और बहुत सारा नेक्सस चल रहा है क्योंकि जो कंप्लेंट उनके खिलाफ की गई थी उसमें कहा गया था कि इलीगल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज है, इलीगल डिस्पोजल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स जो है, ये तमाम आरोप लगे हैं। टेंडर उनके जान पहचान के लोगों को ही दिया जाता था तो ये सारी चीज भी होती थी और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स पर अत्याचार भी ऐसे होता था। देखिए जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीबीआई। मुझे ये लगता है कि ये लोग थ्रेट सिंडिकेट इसलिए चला रहे थे ताकि ये जो एक्सटॉर्शन है और जो पैसा उठाने की बात हो रही है शायद वो इसको कंटिन्यू कर सके, इसलिए शायद ये एक्सटॉर्शन और ये थ्रेट सिंडिकेट चल रहा था, मुझे मेरा ये मानना है। तो अभी जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डर डर के रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना या रूलिंग पार्टी के सपोर्ट के बिना क्या संदीप घोष इतना कुछ यहाँ पे कर पाते या उनको जो है कोई बैकअप या सपोर्ट दिया जा रहा था ताकि इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद, क्योंकि एंटी करप्शन में उनकी कंप्लेंट हुई थी, विजिलेंस में कंप्लेंट हुई, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था उनके खिलाफ, तो आपको लगता है कि किसी तरीके का सपोर्ट उनको दिया जा रहा था सरकार की तरफ से? देखिए वो जो थ्रेट देते थे तो कुछ एचओडी थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ पीजीटी थे जो फेल करवाने में उसकी हेल्प करते थे, ठीक है। और ऐसा और हम जो ये शरीफ हसन है, डॉक्टर शरीफ हसन, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड है, तो उसने बोला, उसने जो धमकियां दी थी कि उसके साथ चीफ मिनिस्टर है, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी डरते हैं, उनसे जो श्यामाप्रसाद दास है वो बहुत बड़े एक डॉक्टर है, तो इन सब का नाम लेकर, बहुत सारे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम लेकर हम लोगों को डराया गया बहुत बार। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ है, बहुत बार हमें, हमारे जूनियर को, हमारे बैचमेट को, हमारे सीनियर को, फीमेल बैचमेट को, सबको ऐसे ही हरास किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सर चले गए तो उसका नेक्सस खराब बंद हो चुका है, वो नेक्सस तो है ना, वो प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट नेक्सस, ही वॉज नॉट द बॉस ऑफ दिस नेक्सस। ओके, और भी लोग है और हमको, हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें उन लोगों का नाम लेकर थ्रेट आता था, इसीलिए हमको पता है। क्या सरकार से उनको सपोर्ट किया जा रहा था? वो मुझे नहीं पता लेकिन उनका नाम लिया जाता था, सबका नाम, ये शायद सीबीआई को इंक्वायरी उसमें करनी चाहिए। तो जैसे कि ये इंटर्न डॉक्टर बता रहे थे कि किस तरह से जो आरोप लगते आ रहे हैं संदीप घोष पर, लेकिन अब एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। करप्शन के बारे में हमने सुना संदीप घोष क्या करते थे, सारी कंप्लेंट्स की गई थी कि इलीगल जो है डिस्पोजल होता था डेड बॉडी का इस अस्पताल में, विजिलेंस में कंप्लेंट की गई थी और साथ ही एंटी करप्शन ब्रांच में की गई थी और साथ ही टेंडर जो है वो अपने जान पहचान के लोगों को देखते थे, लेकिन ये वाले जो खुलासे हो रहे हैं वो पहली बार जब डॉक्टर कैमरा के सामने आकर जो है अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं कि किस तरह से इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उन पर जबरन जो है एक फॉल्स एफआईआर की जाती थी, उनको जबरन फेल कर दिया जाता था, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पर उनको बिठाया जाता था और धमकियां भी दी जाती थी कि अगर वो प्रिंसिपल के खिलाफ गए तो उनको जो है फेल करा दिया जाएगा, धमकी ये भी दी जाती थी कि उनको हॉस्पिटल में
नहीं घुसने देंगे, और जो स्टूडेंट्स को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता था वो नहीं देते थे, इसलिए उनकी MBBS डिग्री जो है वो नहीं मिल पाती थी। तो तमाम जो है ये आरोप लग रहे। और इस बीच जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे 2021 से, वो बेहद बेसिक अमेनिटीज के लिए कर रहे थे। और अगर 2021 से जो इनका आंदोलन चल रहा था कि कॉमन रूम हो, रेस्टिंग रूम हो, क्लीन जो है वॉशरूम्स होने चाहिए, तो शायद आज वो महिला डॉक्टर हमारे बीच होती और उसकी जो है रेप कर जो है हत्या ना दी कर दी होती। क्योंकि वो उस रात जो है सेमिनार हॉल में गई थी रेस्ट करने के लिए 36 घंटे के ड्यूटी के बाद, क्योंकि कोई रेस्टिंग की जगह नहीं है डॉक्टरों के लिए। लेकिन 2021 से लगातार जो स्टूडेंट्स इस आंदोलन को चला रहे, जो विरोध कर रहे थे प्रिंसिपल का और ये मांग रख रहे थे सामने, उनको आइडेंटिफाई कर इस तरह से टारगेट किया जाता था।